नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर शफी। कोरोना महामारी के बीच त्योहारों का आगमन, जी हां, आने वाले दिनों में त्योहारों में गणेश चतुर्थी त्योहार हमारे बीच में आने वाले, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही गणेश मूर्ति बनाने का कार्य घरों में शुरू हो चुका है। ऐसे ही एक सेंधवा शहर की शुभी शर्मा ने अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाई है। मेरी ये मंशा थी कि अभी जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, उसमें काफ़ी सारी गाइडलाइंस हमें मिली है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक फिट के गणेश जी घर पर ही बनाए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था। सो मैं यही चाहती थी कि हम घर में ही गणेश जी बनाएं और उसका विसर्जन घर में ही करें, जैसे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। जैसे कि हमने देखा है कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है तो मार्केट में कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में बाहर जाकर गणेश जी खरीदना और फिर लाना एक हिसाब से बीमारी को आमंत्रण देना होता है, तो इसीलिए मैंने घर में ही गणेश जी बनाए ताकि हम बीमारी से भी बचे रहें और अपना त्यौहार भी अच्छे से मना सकें। मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ कि सभी देशवासियों से कि वो लोग भी घर में छोटे से गणेश जी बनाए एक फीट के गाइडलाइन का पालन करते हुए और घर में ही विसर्जित करें। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, क्ले से बना सकते हैं, मिट्टी से बनाए जा सकते हैं, ताकि सभी लोग त्यौहार अच्छे से मनाएं। आपको बता दें कि शहर की शुभी शर्मा काफी क्रिएटिव हैं। उन्होंने अपनी घर की छत के ऊपर खूबसूरत पेंटिंग से सजाया है। जिस तरीके से उनकी घर सजी हुई पेंटिंग और पर्यावरण का वातावरण महसूस कराती है, वो अपने आप में एक अलग पहचान बताती। न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।